आधार की तर्ज पर ही राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भी अपनी महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ा रहा है, जिसके तहत गौजातीय पशुओं के कानों में UID नंबर टैग किया जा रहा है। साथ ही पशु उत्पादकता और स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क नाम से राष्ट्रव्यापी रिकॉर्डिंग तंत्र बनाने के लिए इस तरीके से गायों और भैंसों को टैग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये काम तेजी से हो रहा है, जहां तकरीबन 90 लाख पशुओं में से 2.5 लाख पशुओं को 12 डिजिट आधार नंबर की तरह ही यूनिक पहचान के साथ UID टैग देने के काम को पूरा कर लिया गया है। इसके पीछे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी को लक्ष्य बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 40 लाख टैग वितरित किए गए हैं और करीब 2.5 लाख पशुओं की कानों पर UID नंबर टैग कर दिए गए हैं। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में सभी 90 लाख पशुओं को UID नंबर दे दिए जाएंगे, ताकि उनकी ऑनलाइन कुंडली तैयार हो सके और मवेशियों की अवैध तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। इसके जरिए पशुओं को लावारिस छोड़ने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, साथ ही उनकी सेहत और नस्ल सुधार कर दूध उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।